बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के बहुमत हासिल करने के साथ ही अब नजरें नई बनने वाली सरकार पर टिक गई हैं। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार 16 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। नीतीश कुमार शपथ ग्रहण करने के साथ ही कई नए रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार सबसे पहले साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और तब से अब तक अलग अलग मौकों पर वो शपथ ले चुके हैं। इसी के साथ नीतीश बिहार में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने की राह पर भी बढ़ चले हैं। बिहार में अभी तक सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड श्री कृष्ण सिंह के नाम पर है, जो इस पद पर 17 साल 52 दिन तक रहे थे। नीतीश कुमार इस पद पर अभी तक 14 साल 82 दिन तक रह चुके हैं। इससे पहले बुधवार रात जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच बैठक हुई और अगली सरकार बनाने को लेकर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि आज नीतीश पार्टी दफ्तर जाएंगे और मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल 125 सीटें मिली हैं। इसमें बीजेपी को 74 सीटें हैं, जेडीयू को इसमें 43 सीटें हैं और हमको 4 और वीआईपी को 4 सीटें मिली हैं। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला महागठबंधन 110 सीटें हासिल कर सका है। नीतीश कुमार ने पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि बहुमत के लिए जरूरी विधायकों का समर्थन नहीं मिलने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद साल 2005 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू की खराब प्रदर्शन को देखते हुए नैतिक आधार पर नीतीश कुमार ने सीएम पद त्याग दिया था। उन्होंने जीतनराम मांझी को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। हालांकि एक साल से भी कम समय में वो सत्ता में लौट गए। वहीं साल 2015 में नीतीश कुमार के जेडीयू और लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी ने महागठबंधन बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें जीत हासिल हुई थी। कुछ दिनों तक तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम धन शोधन के मामले सामने आने पर उन्होंने जुलाई 2017 में इस्तीफा दे दिया था। फिर अगले ही दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी के सहयोग से नई सरकार बना ली थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव में कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।